वल्लभ नगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर पहुंचे, जहां खाचरियावास एक होटल में मीडिया से मुखातिब हुए। खाचरियावास ने एक ओर जहां गति शक्ति योजना समेत अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र की एक भी योजना पूरी नहीं हुई, लोग महंगाई से त्रस्त हैं। ऐसे में सरकार असली मुद्दे से ध्यान भटका रही है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए नई नई योजनाओं की घोषणा करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार आदर्श मॉडल के रूप में काम कर रही है, प्रदेश सरकार की योजनाओं को देश के साथ विदेशों में भी सराहना की जा रही है। खाचरियावास ने दोनों उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। वल्लभ नगर धरियावद में कांग्रेस पार्टी की जीत तय है। हमारा काम, हमारी सच्चाई, हमारा डेवलपमेंट, हमारी वेलफेयर की योजनाएं हमारे साथ है। उन योजनाओं के दम पर, काम के आधार पर कांग्रेस पार्टी वोट मांगने के लिए निकली है, बातों के आधार पर नहीं। जो बाकी पार्टियां बीजेपी चुनाव लड़ रही, तो बीजेपी के पास काम नहीं है, सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं। हमारे साथ हमारा काम, हमारी वेलफेयर की योजनाएं हमारे साथ है, और वो सबको मिलता है उसका लाभ, उसके आधार पर वोट मांगने।